गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। जैसा कि फोर्थ लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मूल कॉन्सेप्ट यानी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत बातचीत हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो आपका टॉपिक था उसके अंतर्गत पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड में सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एक पार्ट का डिस्कशन हुआ था जिसमें हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस पर जरा गौर करिएगा, यानी कि आज की क्लास में हम टोटल बातचीत करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, मोल क्या होता है, मोल के फॉर्मूले कौन से लगाए जाएंगे, कैसे मोल कैलकुलेट किया जाएगा, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी विषयों पर आज की क्लास में हमें बातचीत करनी है। अब ध्यान इस बात का देना है कि जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं इसकी क्या कहानी है। क्लास 9th में ये चैप्टर एक बार आपके पास आया था, ये टॉपिक यानी कि क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल नामक चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आपको एक दफा पढ़ाया गया था। जब क्लास 9th में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तो वहां पर भी यही बात आपको बताई गई थी कि मोल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एक मोल में कितने एटम मॉलिक्यूल आयन होते हैं ये बात पढ़ाई गई थी, मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बात बताई गई थी। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज एक एक टॉपिक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जहां पर डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बहुत बेसिक सा सवाल है, सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम मोल की बात करते हैं तो मोल है क्या। हम कहते हैं मोल जो होता है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। जैसा कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और इसके पहले आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मोल क्या होता है, वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। बहुत समय पहले जब आप फिजिकल क्वांटिटी 7 पढ़ते थे, 7 या 7 फिजिकल फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी का नाम देते थे और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, वहां से हमें यह पता है कि मोल क्या होता है। हम ये जानते हैं कि मोल जो होता है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। अब हम कहते हैं कि अगर मोल के बारे में हम ढेर सारी बात करने का प्रयास करें तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में हमने बेहद अच्छे तरीके से सुना है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमें दे दिया जाए तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जब हम जिक्र करते हैं तो उस केस में हम पढ़ते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मोल होती है। मोल को लिखा ऐसे जाता है, हमने कहा कि अगर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछे तो वो कुछ इस प्रकार होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें ई नहीं लगाते, स्मॉल एम ओ एल लिखते हैं, यानी कि सिंबल के रूप में जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। किसी क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, किसी अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं तो हम किस में मेजर करते हैं, मोल में। तो मोल को एसआई यूनिट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस प्रकार होता है। तो हम दूसरी बात में ये डिस्कस करते हैं कि अगर मोल मान लो बाय द वे किसी का कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल आया, इसमें दो फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। अगर मान लो आपको निकालना हो कि मोल निकालना हो तो हम कहते हैं इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी आपको जो मास दिया है बेटा उसको आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, यानी आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कहने का कोई खास मीनिंग नहीं है, हमें यह समझना है कि जो मास हमें दिया है उस मास को उसके मोलर मास से हमें डिवाइड करना है। जैसे किसी सब्सटेंस का मास दिया होगा, किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का मास दिया होगा ना, तो जो मास दिया होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो उसका मोलर मास होगा उसको हम नीचे लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला हम मेनली यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, यानी जो 9th में यूज किए थे उसी की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10³ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस, यानी कि आप ये दूसरा फॉर्मूला ये यूज करते हैं। और आप कहते हैं कि ये किसके बराबर होता है, तो हमने कहा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब ये केस आपको ये लेनी है कि मॉलिक्यूल है या एटम है। आपने दो कंडीशन यहां पर फॉर्मूले में पढ़ी, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर हम ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर बात करेंगे, यानी ये वाला जो आपको गिवन मास अपन मोलर मास दिया गया है इस पर हम बात करेंगे। फिर आएंगे हम सेकंड फॉर्मूले में, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो हम एक एक करके
आज की क्लास में इस मूल कॉन्सेप्ट का निवारण करेंगे। आप गौर बनाए रखिए, ध्यान से सुनते रहिए और हम इसके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली बात में हम क्या पढ़ते हैं जरा गौर करिएगा। अब हम पहले फॉर्मूले पर आते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने अभी आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, हमने ये कहा कि मूल अगर कहीं पर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमने बताया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला बता दिया ना। अब इसी फॉर्मूले का यूज आपको करना है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो टाइप वन के क्वेश्चंस बनते हैं, जरा उस पर बात कर ली जाए। यानी कि इसमें टाइप वन के क्वेश्चंस क्या बनेंगे, जैसे समझिएगा हम आपसे डिस्कस करें वो क्या डिस्कशन होगा। हमने कहा हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हमने क्या कहा हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपसे बिल्कुल बेसिक सा सवाल देते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा आपसे हमने कहा कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन में कह दें कि 360 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 360 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं तो हम आपसे ये कह दें कि 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ये हमने थर्ड क्वेश्चन इसमें कर दिया। और चौथे क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो हम क्या आपसे पूछ पाते हैं, तो हमने कहा 440 ग्राम ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन दिया गया। अब बेटा एक बात बहुत ध्यान से ये समझना है कि इसका सॉल्यूशन तो आप पहले एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन हम उससे पहले एक फर्स्ट वाले का हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, तो हमने पढ़ा मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आप क्या निकालोगे, यहां से फॉर्मूला आपने लगाया तो ये 23 ग्राम क्या है, ये गिवन मास है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23 होता है, तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया आंसर, 1 मोल आ गया। बी वाले पर आइए, एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए कि आपको मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अगर आप एक मोल का जो मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं, अगर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना आता रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये नहीं आता रहेगा तो फिर ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाएगी। आइए इसी बात पर आगे चलते हैं। हमने कहा 360 ग्राम वाटर, तो 360 ऐसे हो गया। अब वाटर के बारे में तो आपने सुना ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो 2 × 1 + 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा बेटा, 18, यानी कि वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आ गया, 20 मोल आ गया। यानी कि सेकंड वाली भी केस हमारी क्लियर हो गई। बी के बाद हम सी नंबर पर आते हैं और सी वाले पर हम देखते हैं कि अगली बात क्या होगी। जैसे यहाँ 360 ग्राम वाटर तक का तो ठीक था, 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज कहा गया। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 171, और सुक्रोज है तो सुक्रोज का मास कितना होता है, हम कहेंगे कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। शुगर हो, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, ये सब एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C12H22O11। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 12 × कार्बन का कितना होता है मास, 12, ठीक है, प्लस 22 × 1 हो जाएगा, प्लस 11 × 16, यानी कि ओवरऑल सॉल्व करने पर ये 342 ग्राम आएगा। यानी कि हमने ये कहा कि शुगर का मास कितना आएगा, 342 ग्राम, हमने यहाँ पर रख दिया और जब इसको कट करेंगे तो 1/2 आया। इसका मतलब इसमें आंसर कितना मिला हमें, 0.5 मोल मिल गया। क्या मिल गया, 0.5 मोल। अब सी के बाद डी नंबर पे आते हैं और यहाँ देखते हैं ये 440 ग्राम ये हो गया, ठीक है। CO2 का मास कितना होता है, 44। कहें सर आपको कैसे पता है, प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाता है बेटा, 12 + 2 × 16। खूब ध्यान समझना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना होवे। ये कितना आया, 44, तो यहां से जब हम इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मोल आपको मिल गया। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल अगर किसी केस में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि कोई भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, उसमें आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे एटम का केस हो, चाहे मॉलिक्यूल का केस हो, या कोई बड़ा कंपाउंड आपको क्यों न दे दिया जाए, लेकिन उस केस में आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे, इस प्रकार से जैसा आपको दिखाया गया।
अब हम कहते हैं कि टाइप वन तो हमारा हो गया, हम क्यों ना टाइप टू की तरफ चलते हैं, यानी कि अब हम टाइप टू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमने केवल मोल निकालना सीखा। देखो बेटा, इस फॉर्मूले पर हम टाइप टू का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे देखो, मास और मोलर मास अगर हमें पता है तो हम मोल निकाल लेते हैं, है ना। अगर हमें मास ना पता हो, मोलर मास पता हो और मोल पता हो तो हम मास भी तो निकाल सकते हैं। हम अगर आपसे कह दें कि मान लो, अगर हम आपसे मोलर मास ना दे करके हम केवल ये पूछ लें कि हाउ मेनी ग्राम या व्हाट विल बी द मास ऑफ 3 मोल ऑफ NaOH, तो चलिए करके देख लेते हैं टाइप टू का ये बेहतरीन सवाल। तो आइए डिस्कस करते हैं दूसरी बात पर। अब सेम टू सेम वही बात हमारी फिर आगे चलती है। हमने कहा कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको लगातार कंटिन्यूअस में देखते चलिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी आप नोट करते रहें और लिखते भी चले तो ज्यादा बेटर। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यानी कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया। हम आपको टाइप टू का बेहतरीन सवाल कराते हैं, जरा गौर करिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक है। टाइप टू में एक क्वेश्चन ये बना कि हम ये क्वेश्चन आपको देते हैं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हमने, हमने कहा कि 3 मोल NaOH, NaOH को बड़े प्यार से लोग कॉस्टिक सोडा आजकल मार्केट में बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। दूसरा 2 मोल ऑफ H2O। तीसरा हम कहते हैं आपसे कि 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम, और डी वाला देखिए, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसमें कुछ भी ले सकते हो। हमने कहा 10 मोल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, ये NaOH, H2O, मैग्नीशियम, ग्लूकोज ये दिया है, ये बड़ा काम की चीज है, जरा गौर करिएगा। हम कहते हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, इस तरफ हम कहते हैं इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, कहा गया 3 मोल NaOH। बेटा मोल कितना दिया है? 3। NaOH किसे कहते हैं? कॉस्टिक सोडा को। तो NaOH का मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं, और मोलर मास जो निकालेंगे उसको यहां पुट कर दें तो हमें मास क्या होगा, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम कहते हैं 3 इज इक्वल टू, मोल की जगह पर क्या लिख दिए, 3, और मास हमें निकालना है। और NaOH का मोलर मास कितना होगा, जरा वो यहां देख लेते हैं। NaOH दिया तो सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये आएगा बेटा 40 ग्राम, है ना। तो हमने कहा ये 40 हो गया। तो ओवरऑल हम ये समझ पाए कि अगर हम मास यहां से निकालेंगे तो 40 में 3 का गुणा करोगे तो 120 ग्राम आंसर। क्या कुछ नया किया क्या? नहीं, वही तो हम भी कर रहे हैं। अब बी वाला देखिए जरा, बी वाले क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ H2O दिया गया, तो 2 यहां लिख लो, मास को वैसे ही रहने दो। अभी इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसको सॉल्व करोगे तो मास कितना आ जाएगा, यहां से 36 ग्राम आ जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अभी कुछ देर बाद आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर ले जाओगे। सी वाले पर आइए, हमने कहा 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम दिया गया, 5 यहां रख दो, मास यहां रख दो, मैग्नीशियम 24 होता है, तो ऐसी केस में 24 × 5 कितना आ जाएगा, 120 ग्राम आ जाएगा। और डी वाले में आओ बच्चे, तो क्या करोगे, 10 मोल ऑफ ग्लूकोज है तो 10 यहां हो जाएगा, मास यहां हो जाएगा, ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 ग्राम। कहें सर हमको समझ नहीं आता कैसे मास हो जाता है 180 ग्राम, मोलर मास निकालना आपको पहले भी बताया गया था, 6 × 12 कर देंगे प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 करेंगे तो ओवरऑल जो मास आएगा वो कितना आएगा बेटा, 180 ग्राम। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हमें जो मास मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1800 ग्राम मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल इस केस का मास कितना आ गया, 1800 ग्राम आ गया। तो हमने ये कहा कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास लगा करके हम इस तरह से टाइप टू का ये जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो हम निपटा चुके हैं, यानी कि टाइप टू के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। इसी फॉर्मूले पर बिल्कुल बेसिक सी चीज है, टाइप थ्री भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास था ना, अब क्या करोगे, टाइप थ्री बनाने का भी मास पूछा गया था आपसे, मोलर मास पूछ ले
तो क्या करोगे, कर सकते हो ना टाइप थ्री, अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना। मास अगर दे दूं और मोल दे दूं तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब दो तरह का इसमें हम आपको समझा दिए हैं, तीसरा आप समझिएगा। अब हम चलते हैं जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10³ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस, ऐसी भी केस हमने पढ़ी। तो अब अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तो क्या करोगे, जरा समझिएगा। अगर ऐसी केस आती है तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा सोचने का विचार करने का विषय नहीं है, खट्टा सा हम दिमाग लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो इसमें हम टाइप थ्री के क्वेश्चन पर अलॉट करके आते हैं, तो हम कहते हैं मान लो हम आपसे कहते हैं कि हाउ मेनी, थोड़ी सी स्पीड अब बढ़ाएंगे, एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, दो क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मान लो ये एक क्वेश्चन हो गया और हम इसमें एक बी क्वेश्चन ले लेते हैं और वो हम आपसे कहते हैं कि 400 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, अब आप सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। आपने मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास फॉर्मूला पढ़ लिया था, पढ़ा था ना। तो यहां से 360 ग्राम आपको दिया गया और मोलर मास कितना हो जाएगा, 180। सॉल्व करोगे कितना आ गया, 2 मोल आया। आप जानते हैं कि 1 मोल बराबर एन ए, एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा, 2NA होगा कि नहीं, और 2NA का मतलब 2 × 6.023 × 10³। अब स्पीड बढ़ गई है, संभालिए अपने आप को, 12.046 × 10³ क्या हो जाएगा, ये एटम होगा या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ग्लूकोज है तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल लिखोगे, यहाँ इस बात का ध्यान रखना। अब हम कहते हैं 400 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, कैसे करोगे, मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास होता है, कहे हाँ, तो ये 400 ऊपर हो गया। अब कॉस्टिक सोडा का मास कितना होता है, 40, काटे पीटे कितना बच गया है, 0 0 से कैंसिल, कितना आया 10, तो 10 मोल यहाँ से आ गया। तो 1 मोल इज इक्वल टू एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, तो 10 मोल जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 मोल इज इक्वल टू 10 एन ए, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 6.023 × 10³ क्या, मॉलिक्यूल। तो सॉल्व करोगे तो 6.023 × 10¹⁴ मॉलिक्यूल, इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो गया। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, टाइप थ्री का। अब हम कहते हैं यहां तक तो सर ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल या एटम दे दिया जाए तब क्या करेंगे, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि हमें हाउ मेनी मोल पूछ ले, या इसी के अंतर्गत हमने एक फॉर्मूले में और पढ़ा है, वो क्या, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है। तो सर अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम टाइप फोर का दिमाग लगाएंगे और देखते हैं कि टाइप फोर का कंडीशन क्या बनती है। देखिए टाइप फोर की कंडीशन ये है कि अगर हम कहते हैं 1 मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो हम कहते हैं 6.023 × 10³ हमने पढ़ा है एटम्स मॉलिक्यूल्स और ऑब्लिक आयंस, है ना। अगर हम कहते बेटा इधर का दे दे और इधर का पूछे तब क्या करोगे, तो कहे कुछ नहीं, परेशान होने की बात थोड़ो ना है। अब इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया टाइप फोर में, क्या, हाउ मेनी मोल्स, क्या दिया गया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन। अब जरा देखना ए वाला पार्ट, इसमें फिर हम लिखते हैं, हम कहते हैं हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 12.046 × 10³ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक क्वेश्चन हो गया। और इसी में बी वाला भी हम करेंगे, बी वाले में हम अभी बाद में देखते हैं। हम कहते हैं इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे, ये वाटर वाटर जो लिखा है इसका कोई खास यहां मीनिंग नहीं है। तो आप कहोगे कि हम ये जानते हैं कि 6.023 × 10³ अगर मॉलिक्यूल किसी का हो तो उसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं, है ना। जैसे बचपन में पढ़ते थे कि 1 रुपए 5 कलम, तो 5 कलम कितने की, 2 कलम कितने की, 3 कलम कितने की, वही कहानी है।
तो बेटा जब वन मॉलिक्यूल की कहानी यहां पर लगाओगे तो वन अपान क्या हो जाएगा, 6.023 × 10³³ बनेगा, होगा कि नहीं, इतने मोल होंगे। और आपको कितने में निकालना है, आपको इतने में निकालना है, इतने मॉलिक्यूल की बात की गई ना, तो एक मॉलिक्यूल को तो निकल आया उतने का है, तो ये 12.046 × 10³ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/6.023 × 10³³ इंटू हो जाएगा ऊपर में, तो क्या बनेगा, ऊपर में जाएगा तो 12.04446 × 10³³ बनेगा। ये पूरा उड़ा दो इससे, कितना आ गया, दो आ गया, दो क्या मोल है ना, तो आंसर कितना आया, दो मोल, यानी कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना आ गया, दो मोल आ गया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हम कहते हैं अगर 17 ग्राम क्यों लिखेंगे, हम अगर इसी क्वेश्चन को आपसे दोबारा पूछें, हम आपसे कहते हैं कि 17 में लिख दे रहा हूं, लिखो, हम कहते हैं कि अगर मान लो कि 3.011 × 10³³ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया, हम कहते हैं अगर 3.011 × 10³³ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की बात करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम टू सेम कहानी लगानी है। अब बार बार इसको लिखने की जगह हम Na लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हम कहते हैं, हम जानते हैं Na मॉलिक्यूल में क्या होता है, Na मॉलिक्यूल में एक मोल होते हैं, कहे हाँ, तो कहते हैं वन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल में बेटा 1/Na मोल हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीका हमने अपनाया है, जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो खटाखट क्वेश्चन होंगे। और ये कितने में पूछा है, 3.011 × 10³³ मॉलिक्यूल में पूछा गया है, तो 3. उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कितना है, Na की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, इसका मतलब कितना आया, 0.5 मोल हो गया। खट्ट से ऐसे निकालना, यानी कि हमने कहा कि अगर इतने मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की बात करें या अमोनिया की बात करें तो जो नंबर आप मोल होंगे वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो कितने हो गए, 0.5 मोल हो गए। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगली बात, अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। वो क्या होता है कि जैसे हमने अभी तक फॉर्मूले में क्या पढ़ा, वन मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10³³ क्या मॉलिक्यूल और एटम और आयन। अब हम कहते हैं ये किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। वैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़े थे वहीं से आया। अब हम कहते हैं अगर हम एक रिलेशन इसमें देखना चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, अगर कहते हैं इतने मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होंगे तो ये भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें कहा जाए ग्राम दे दिया जाए, मॉलिक्यूल पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं। ग्राम और मॉलिक्यूल का तो हम कर चुके हैं क्योंकि अभी हमने टाइप 2 में यही पढ़ा था, लेकिन मॉलिक्यूल से ग्राम निकालना अभी तक हमने नहीं किया है। तो आइए इसी बात पे आपकी ये बात हमारे साथ, टाइप 5 का ये क्वेश्चन। टाइप 5 के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल देकर के हम ग्राम फाइंड आउट करेंगे। जरा गौर करिएगा, हम आपको समझाते हैं। हम कहते हैं हाउ मेनी ग्राम, ठीक है, या व्हाट विल बी द मास, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इतने मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिए जाएं तो ऐसे क्वेश्चन लिखो तो ज्यादा अच्छा है। क्या लिखोगे, What will be the mass? किसका मास पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि what will be the mass of? अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, कहते हैं मास पूछा जा रहा है, कहते हैं किसका मास पूछा जा रहा है, तो कहते हैं इतने मॉलिक्यूल वाटर में कितने ग्राम होगा यही पूछा जा रहा है। What will be the mass of, मान लो ये क्वेश्चन हम आपको दे दें कि 12.046 × 10³³ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मान लो ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल है। हम कहते हैं इतने मॉलिक्यूल वाटर अगर आपको दे दिए जाए, यानी कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हम कहते हैं इसके सॉल्यूशन में आते हैं और हम आपको बताते हैं। सॉल्यूशन में देखो बेटा कि हम जानते हैं 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल जो होता है,
अगर हम इसका जिक्र करें तो ये मॉलिक्यूल एक मोल के बराबर होता है, और एक मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो एक मोल वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम। तो इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम वन मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं। तो वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 upon 6.023 × 10³ हो गया। अब आपको कितने में निकालना है, 12.046 × 10³ मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना है। तो आप करोगे 18 upon 6.023 × 10³, ऐसे ही रहने दो, है ना। ऊपर क्या मल्टीप्लाई करोगे, यही मल्टीप्लाई कर दोगे, 046 × 10³, ये आपका पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 2। तो यहां से 18 × 2 कितना हो गया, 36 ग्राम। तो अगर आपको मास निकालना होगा तो उसका बेहतरीन तरीका आपके सामने है, 36 ग्राम ऐसे आप निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन बी वाला पार्ट, अगर हम कह दें कि 3.011 × 10³ आपसे कहा जाए एटम्स ऑफ सोडियम। अब हम यहां एटम्स ले लेते हैं, एटम्स ऑफ सोडियम की बात यहां की गई। अब जरा सोचना, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो कैसे इसको समझेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ Na की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है ये, एक मोल। और एक मोल की वैल्यू क्या होती है, एक मोल की वैल्यू, एक मोल सोडियम का मास कितना है, 23 ग्राम होता है। तो हमने ये कहा कि अगर वन एटम ऑफ सोडियम की बात करें, वन एटम ऑफ Na इज इक्वल टू 23 upon क्या हो जाएगा, 6.023 × 10³ हो जाएगा। तो हमें कितने में निकालना है, 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ Na की बात की गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 23 upon ये Na हो गया, है ना। और ये Na का मतलब, Na का मतलब ये हो जाएगा बेटा 6.023 × 10³ यहां हो गया। और ये जो आगे लिखा जाएगा ये आपको कितने में निकालना था, 3.011 में निकालना था ना। तो आप यहां क्या लिखोगे, 3.011 × 10³ एटम्स ऑफ सोडियम। तो ये 3 × 10³ ऊपर हो गया, इससे जब कट करोगे तो कितना आएगा, इससे जब कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 23 upon 2 की बात करोगे और ये आपका 11.5, ये क्या हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो 6.022 × 10³ एटम सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम के बराबर होता है। तो उसका हाफ एटम लिया गया तो कितने के बराबर हो जाएगा, उसके हाफ के बराबर हो जाएगा, है ना, हाफ मोल की बात की गई। तो इस प्रकार से हमने टाइप 5 के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लिया और देख लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल कितने तरह के क्वेश्चन इसमें बन रहे थे, वो एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हमने आपके साथ में कर लिया। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। लेकिन बेटा इतने क्वेश्चन से भी गाड़ी नहीं चलेगी हमें, और ये तो हमने आपको तरीका बताया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, अब हमें ये मोल पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या इसका यूज कर लिया जाता है आगे के कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इस तरीके का उपयोग करें, बेहतरीन तरीका है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतरीन समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपको रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, कमेंट सेशन में जाकर के आप ये बात हमें ज़रूर बता देंगे कि आपको अभी किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हम उसका डिस्कशन आपके साथ कर सकें। एट लास्ट आपके पेज पर देख रहे होंगे कुछ न कुछ बातें आपको लास्ट में क्लास के बाद मोटिवेशन की मिलती है, है ना। तो आज उसी सिलसिले में एक छोटी सी बात आपके सामने और लिखी हुई है, जरा आप पढ़िए स्वयं क्या लिखा हुआ है और इसकी क्या मीनिंग है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, क्या बात लिखी, दर्द गम डर जो भी है
बस वो तेरे अंदर है, सुख के बनाए पिजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। यानी कि इसका पूरा मीनिंग समझ लेना तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।